ये बंदी देखिए, ये मेरे पीछे आपको एक बंदी है, वो एक दिख रही होंगी, वो कैसी कर रही है। वो इन लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको जादू टोना करते हैं। देखिए आप, देखिए आप वो कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब ऐसे। हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप ठीक ही होंगे। एक्चुअली मैं आज जा रहा हूँ चालीसगांव, जो बॉम्बे से 5 घंटे की दूरी पे है और नासिक से 2 घंटे की दूरी पे है। और चालीसगांव क्यों जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं हमेशा जाता हूँ। वहाँ पर एक दरगाह शरीफ है मूसा कादरी बाबा, वो बहुत मशहूर दरगाह शरीफ है और मैं हमेशा जाता हूँ वहाँ पर। लेकिन काफ़ी दिनों में मैं वहाँ पर मेरा जाना नहीं हुआ है, लेकिन मैं जा रहा हूँ अभी। अपने मैं दूसरे घर जाकर ड्रेस चेंज करूँगा और फिर वहाँ से आपको मिलता हूँ मैं। हाय दोस्तों, एक्चुअली अब मैं निकल रहा हूँ चालीसगांव जाने के लिए। बारिश भी बहुत हो रही है, इस वजह से मैं आपको वहाँ पर ही मिलता हूँ। ओके दोस्तों, फाइनली मैं दरगाह पर आ चुका हूँ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ दरगाह में, वजू करूँगा फिर आपको बताता हूँ सब अंदर। दोस्तों ये दरगाह का गेट है, अभी मैं दरगाह के अंदर जा रहा हूँ। अभी अंदर ही जा रहा हूँ मैं दरगाह में, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर, हाँ अभी गेट है दरगाह का बाहर का, और उसके पहले एक गेट लगता है बड़ा गेट, वहाँ का वीडियो नहीं बनाया मैंने। और दरगाह में देखो सब बैठे हैं, दरगाह शरीफ में सब बैठे हैं। देखिए और यहाँ पर का ये मूसा कादरी बाबा की दरगाह है, और यहाँ पर देखिए कैसे घूम रहे हैं। यहाँ पर किसी का जादू टोना चलता है, किसी को जादू टोना होता है, कोई बाहर का करता है, तो वो लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। देखिए आप, ये मूसा पीर सैयद बाबा, उनकी दरगाह शरीफ है। यहाँ पर सब जिनको बाहर का कुछ हो जाता है वो लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। देखिए और यहाँ पर सब ठीक हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है यहाँ पर। दरगाह शरीफ है बड़े पीर की, मूसा कादरी बाबा। देखिए मैं आपको इसके आगे कहा और बताता हूँ। मैं दरगाह शरीफ में जा रहा हूँ अंदर। देखिए आप बाहर का कितना रश है, देख लिया आप, यहाँ पर बहुत रश है यहाँ पर। मैं अंदर जा रहा हूँ अभी ज़ियारत के लिए। मैं फूल ले लिए, चादर लिए, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं ज़ियारत के लिए। देखिए ये सरकार मूसा कादरी बाबा, उनकी दरगाह शरीफ है, ये मज़ार पाक है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी रश होता है, और यहाँ पे जीन जिन्नात जो भी भला मुसीबतें रहती है यहाँ पर दूर हो जाती है। ये मूसा कादरी बाबा सरकार की करामत है। आप देखिए भीड़ देखिए, यहाँ पे रश देखिए कितना है। देखिए देखिए दरगाह शरीफ है, यहाँ पर बहुत करामतें होती हैं और यहाँ से बहुत कुछ फैज़ मिलता है। मैं आया हूँ यहाँ पे ज़ियारत के लिए। आप देखिए, मैं अभी आपको ज़ियारत के बाद मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों मेरी ज़ियारत हो गई है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए जिनके अंग में आता है, जिनके साथ जादू टोना होता है, जो भी होता है जो बाहर का होता है, तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए आप देखिए यहाँ पर कैसे सब कुछ। देखिए ये बंदी देखिए, ये मेरे पीछे आपको एक बंदी है, वो एक दिख रही होंगी, वो कैसी कर रही है। वो इन लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको जादू टोना करते हैं। देखिए आप, देखिए आप वो कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब ऐसी है, आते हैं लेकिन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप सब, देखिए यहाँ पर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। काफ़ी लोग यहाँ पर, काफ़ी रश रहता है। दोस्तों वो हज़रत मूसा पीर हज़रत के यहाँ पर हम लोग जाकर आए, अभी हम दूसरी दरगाह शरीफ पे आए हैं। ये पीर रोशन बाबा है, यहाँ पर एक चिराग है, जो चिराग पर जो हाथ रख के जो भी मन्नत मांगते हैं तो चिराग ऑटोमेटिक हिलता है, और हाथ ऊपर ही रखना पड़ता है। हम लोग चिराग के पास भी जाएंगे और आपको वहाँ पर ज़ियारत भी कराएंगे हज़रत की। देखिए ये दरगाह शरीफ है वो, जहाँ पर चिराग घूमता है। आपको चिराग भी बता देते हैं हम लोग,
मैं आपको चिराग बताता हूँ चिराग कहाँ पर है। ये देखो ये चिराग है, ये चिराग है, इस पर हाथ रखते हैं तो हाथ ऐसे ऊपर ही रखना रहता है, और जो भी आप नियत करते हैं, दुआ करते हैं, वो दुआ करने के बाद उसे ये चिराग ऑटोमेटिक हिलता है। ये चिराग है वो, और ये दरगाह शरीफ के नज़दीक ही है वो चिराग। ये चिराग की एक करामत है ये दरगाह शरीफ के यहाँ पर, कि जो भी दुआ कबूल होने रहती है तो चिराग हिलता है। देखिए यहाँ पर बहुत करामत हुई है, यह अपने पीर मूसा कादरी बाबा से थोड़ी नज़दीक में दरगाह शरीफ है। क्या अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा घर के लिए, और ये बहुत मशहूर दरगाह है। इंशाल्लाह आप भी कभी आना यहाँ पर आया करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।